सैमसंग गैलेक्सी M52 या फिर A52s। देखो सही बताऊँ ना तो दोनों ही फ़ोन में मुझे अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो इन दोनों फ़ोन का जो प्राइस गैप है 6,000 रुपये, उसको ये मतलब जस्टिफाई भी कर पाता है या फिर बस ऐसे ही दे दिया है? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता लगने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करने वाली हूँ ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इन दोनों में से आपको अपने लिए कौन सा फोन परचेस करना है। लेकिन उससे पहले हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मैं एकदम फर्स्ट क्लास, काफी ज्यादा एक्साइटेड, तो शुरू करते हैं फिर। तो देखो वैसे तो दोनों फोन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील हुआ है ना वो दोनों फोन के कैमरास का है, तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे पहला एक बड़ा डिफरेंस जहां पर मैं काफी ज्यादा शॉक हुई थी वो है दोनों फोन की बैटरी डिपार्टमेंट का, क्योंकि M52 काफी ज्यादा स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट भी है इन कंपैरिजन टू A52s, मतलब ये देख के ही थिक लगता है और इस वजह से ये हैवी भी है, लेकिन फिर भी A52s में सिर्फ 4,500 mAh की बैटरी है और पता नहीं कैसे मतलब इन्होंने मैनेज किया, लेकिन M52 के अंदर हमें 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये काम मतलब A52s में भी किया जा सकता था, बट आई डोंट नो, M52 में ज़्यादा बेटर बैटरी कैपेसिटी आपको मिलेगी। बट खैर, अगला बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मुझे देखने को मिला है उन लोगों के बीच में जो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस भी देख रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब कर लो यार, उससे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा बना रही हूँ मैं तो कुछ तो। बट खैर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि दोनों फ़ोन में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे कैमरास में फील हुआ था। नंबर वाइज तो है ही, A52s में क्वाड है, M52 में ट्रिपल है, लेकिन मैं नंबर्स के बारे में बातें नहीं कर रही हूँ पूरे वीडियो में, तो आपको समझ में आ ही रही होगी ये चीज़ें। तो जब मैंने फ़ोटोज़ निकाले डे टाइम पर, तब मैं आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि कलर कॉन्ट्रास्ट में फ़र्क है। दोनों ही नेचुरल नहीं है, सैमसंग ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन करी हुई है दोनों में, लेकिन M52 के कलर्स थोड़े से और भी ज़्यादा बूस्टेड है, थोड़ी वार्मर टोन्स देखने को मिलती है फोटोज में। डिटेल्स के हिसाब से दोनों अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज दोनों काफी अच्छी कैप्चर कर पाते हैं, शार्पनेस ऑन पॉइंट है, तो ऐसे क्वालिटी में तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कलर कॉन्ट्रास्ट का फर्क है। अब मुझसे अगर कोई पूछे ना कि किसके कलर कॉन्ट्रास्ट मुझे ज़्यादा पसंद आए, तो मैं शायद से M52 को यहाँ पर चूज़ करूँ। मुझे मतलब वो थोड़ी वार्मर टोन वाली फ़ोटोज़ ना मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। ये ऐसी फ़ोटोज़ है जिसे मैं सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकती हूँ। बट क्या होता है ना कि ये तो अच्छी लाइट्स थी, तो यहाँ पर तो दोनों अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आता है पता है? जब आप ऐसे बहुत ही टफ सी सिचुएशन में चले जाओगे, जैसे कि डार्कर एरियाज़ में फ़ोटोज़ ले रहे हो या फिर स्ट्रीट लाइट में फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपको पता लग जाएगा कि A52s का अगर प्राइस ज्यादा है ना तो वो जस्टिफाई भी करता है कैमराज में कहीं ना कहीं, क्योंकि बैकग्राउंड की भी अगर आप डिटेल्स वगैरह देखोगे तो M52 से ज्यादा बेटर A52s ने फोटोज कैप्चर करे हैं। बाकी अगर आप वीडियोस वगैरह बनाने के लिए फोन यूज लेते हो, देन A52s में OIS का सपोर्ट दे रखा है, तो आप ऐसे रियर साइड से वीडियो बनाओगे ना तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि A52s फार बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो बना पाता है M52 के कंपैरिजन में। सेल्फी में तो इसका कोई सीन ही नहीं है OIS वगैरह का। तो अभी मैं रात को थोड़ा सा वॉक करने आई थी, तो देख लेते हैं कि कैसी वीडियोस आ रही है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि A52s ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा अच्छे ले रहा है, तो हाँ ये थोड़ा अभी मैं अच्छी लाइट में आ गई हूँ वैसे। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी हम कैमरा से ली हुई फोटोज़ और वीडियोस को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो बीच में ही कई बार फाइल्स करप्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, इन करप्टेड फाइल्स को आप रिपेयर नहीं कर सकते। कर सकते हो इजीली वंडर शेयर के रिपेयर इट सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर ऐड फोटोज़ वीडियोज़ का ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से आप करप्टेड फाइल्स यहाँ पर ऐड कर लोगे। रिपेयर का बटन क्लिक करने से आपकी सारी करप्टेड फाइल्स यहाँ पर रिपेयर हो जाएगी और उन्हें आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस है, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर इस तरह की करप्टेड फाइल्स को रिपेयर करने को आपको काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है, देन आपका इनका फ्री वर्जन जो ऑनलाइन अवेलेबल है आप उसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस तरह की करप्टेड फाइल्स आपको फ्रिक्वेंटली रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, देन आप इनका फर्दर जो परचेस प्लान है उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको रिपेयर इट को चेकआउट करना है तो सारे यूजफुल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इन सब के अलावा तो दोनों फ़ोन के स्पीकर्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइडियली बताऊँ तो
M52 में भी स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सिर्फ A52S में ही है। तो लाउडनेस में सही बताऊँ तो इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे 19-20 टाइप का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क पता लग जाएगा। स्टीरियो स्पीकर्स मतलब स्टीरियो स्पीकर्स A52S के ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी डेफिनेटली। और एक सबसे बड़ा फ़र्क है मेरे अकॉर्डिंग तो ये डील ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है काफ़ी लोगों के लिए, वो है 3.5mm का जैक। A52S में है और M52 में नहीं है, तो इसका तो जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी जहां तक बात रही दोनों फोन के डिस्प्लेस की, तो दोनों के डिस्प्ले क्वालिटी काफी सही है। आई मीन पिक्सल डेंसिटी में नंबर वाइज फर्क है, लेकिन जब आप साइड बाय साइड रख के चलाओगे तो एज सच इतना डिफरेंस नहीं आता, ना ही ब्राइटनेस को लेके आपको फील होगा। इट्स जस्ट एक की थोड़ी वार्मर टोन शो करती है डिस्प्ले और एक की थोड़ी कूलर टोन वाली डिस्प्ले है, लेकिन हाँ आउटडोर्स में दोनों अच्छी ब्राइट रहती है और दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले फील होगी। बाकी इसके अलावा एक और डिफरेंस है, ये एक्चुअली में डिस्प्ले का नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स का है। A52S में इन डिस्प्ले दिया हुआ है और M52 में साइड माउंटेड दिया हुआ है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का ज़्यादा पसंद है। वैसे इन जनरल तो बताऊँ तो साइड माउंटेड वाले थोड़े ज़्यादा फास्ट होते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स से, तो वही यहाँ पर भी है। बट कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो, इन डिस्प्ले या साइड माउंटेड। एंड हाँ, एक चीज़ मुझे अभी याद आई, M52 का जो मैंने वीडियो बनाया था ना, एक चीज़ मैं वहाँ बताना भूल गई थी और आपने उसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए, क्या M52 में गूगल डायलर है? नहीं, आई मीन सैमसंग के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब में सैमसंग का ही डायलर होता है। बाकी यार देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस पर फोकस कर रही हूँ, तो अगर आपको इंडिविजुअली दोनों फ़ोन के बारे में जानना है तो दोनों के रिव्यूज़ हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी सोचने लग जाएंगे, अच्छा M52 ज़्यादा स्लिम भी है, लाइट वेट भी है, तो डेफिनेटली इसकी इन हैंड फील भी ज़्यादा बेटर होगी। आई मीन नहीं, ऐसा नहीं है। M52 काफ़ी चीप सी प्लास्टिक के साथ आता है, तो इसमें काफ़ी फिंगरप्रिंट स्मर्जेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। और A52 मतलब वही, इसकी बिल्ट ना थोड़ी स्टर्डी टाइप की है, दिखने में भी ज़्यादा बेटर है, स्मर्जेस वगैरह भी नहीं आते हैं, मतलब काफ़ी स्टाइलिश दिखता है ये M52 के कंपेरिजन में। तो अगर आपको ऐसे बेटर लुकिंग बेटर फील वाला स्मार्टफोन चाहिए देन वो A52S में मिलेगा, लेकिन अगर आप कवर वगैरह लगा के रखते हो और ये चीज़ें मतलब मैटर ही नहीं करती देन तो डेफिनेटली M52 फिर बेटर ही है, क्योंकि स्लिम भी है, बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा है। बाकी आई नो आप में से काफी सारे लोगों को ये लगता होगा कि A सीरीज के जो फोन होते हैं वो थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी वाले फोन होते हैं और M सीरीज थोड़े मतलब मिड रेंज टाइप्स की चीजें मिलती हैं यहाँ पर, तो वो कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि A सीरीज का जो ये A52S है यहाँ पर IP67 की रेटिंग मिल रही है जो कि M52 में नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज कोई फ़र्क नहीं रखा गया है, मतलब दोनों में फुल फ्लैश्ड वन UI 3.1 देखने को मिल रहा है, सेम टाइप के सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, दोनों में नॉक सिक्योरिटी है, सिक्योर फोल्डर है, ऑलजी है, NFC का सपोर्ट दे रखा है, सैमसंग पे मिनी, मतलब हर एक फीचर एज इट इज़ है दोनों फ़ोन में, तो सॉफ्टवेयर में आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा। तो देखो ओवरऑल तो इस पूरे वीडियो में मैंने दोनों फ़ोन में जो भी डिफरेंस मुझे अभी तक मिला है सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अभी आप अपनी तरफ से डिसाइड करो कि 6,000 रुपये क्या आप एक्स्ट्रा भरना चाहोगे A52S की तरफ या फिर नहीं, क्या आपका डिसीजन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं अपने पैसे बचाते हुए M52 को यहाँ पर परचेस करना पसंद करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लगा है यहाँ पर, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ तो सेंस बनाया होगा और आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।